हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार फायरमैन के रिजल्ट पे। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार फायरमैन का रिजल्ट कब आएगा। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स ने बिहार फायरमैन का रिटर्न एग्जाम दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका रिजल्ट कब आएगा और इसीलिए वो अपना फिजिकल की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि क्या पता मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, इसलिए वो फिजिकल की भी तैयारी नहीं कर रहे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार फायरमैन का रिजल्ट कब आएगा। आपने बहुत से वीडियो देखा है जिनमें बताया गया है कि इस दिन आएगा, उस दिन आएगा, लेकिन सब हवा में बातें करते हैं, किसी को नहीं पता कि कब आएगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको सही जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि आखिर कब आएगा बिहार फायरमैन का रिजल्ट। तो मेरा नाम है किशोर और आपका स्वागत है हमारे पुलिस फोर्स एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार फायरमैन का रिटर्न एग्जाम 27/3/2022 को कंडक्ट कराया गया है ना, और ये एग्जाम दो शिफ्ट में कराया गया था और इस एग्ज़ाम को बहुत बढ़िया तरीके से CSVC ने कंडक्ट कराया, जो कि काबिले तारीफ है। एग्ज़ाम में बिल्कुल भी पेपर आउट नहीं हुआ है ना, तो CSVC काबिले तारीफ है कि एग्ज़ाम उन्होंने अच्छे तरीके से कंडक्ट कराया। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उत्पाद सिपाही का, उसमें भी CSVC ने बड़े ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया, उसमें भी पेपर आउट नहीं हुआ है ना। तो एग्ज़ाम CSVC अच्छे तरीके से कराइए, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है ना स्टूडेंट के लिए। लेकिन कुछ और भी सुधार करके CSVC अच्छा काम कर सकती है, जैसे कि कार्बन कॉपी देके और आंसर की जारी करके। अगर कार्बन कॉपी स्टूडेंट को मिलता है और आंसर की CSVC जारी करती है, तो एक्चुअल में पता चल जाएगा उन्होंने कितने क्वेश्चंस का सही उत्तर दिया है ना। इससे वो अपना फिजिकल की भी तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि हमारा इतना नंबर आया है तो इस बार रिजल्ट हो जाएगा। तो CSVC को इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए, और ये इस पर विचार जरूरी इसलिए है क्योंकि देखिए, आप जो क्वेश्चन का आंसर दे के आ रहे हैं, क्या पता CSVC उस क्वेश्चन का गलत आंसर मान रही हो, CSVC उस क्वेश्चन का कुछ और आंसर मान रही हो, है ना। तो ये ज़रूरी है क्योंकि हमें नहीं पता, हम जिस क्वेश्चन का सही उत्तर दे के आएँ, क्या पता CSVC उस क्वेश्चन का कुछ और आंसर मान रही हो, तो इस तरह वो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है ना। लेकिन हमें नहीं पता चलता कि कौन सा हमने क्वेश्चन गलत किया है और कौन सा क्वेश्चन सही किया है। तो इस पे CSVC को ज़रूर विचार करना चाहिए है ना, और आंसर की और कार्बन कॉपी ज़रूर जारी करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को पता लग सके कि वो कितने क्वेश्चन का जवाब सही दिए हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार फायरमैन का रिजल्ट कब आएगा। जिन्होंने अपना रिटर्न एग्ज़ाम दिया है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका रिटर्न एग्ज़ाम का है जो रिज़ल्ट कब आएगा। तो देखिए, ये इसमें 2380 पद है, छोटी मोटी भर्ती है नहीं कि तुरंत तुरंत काम हो जाएगा है ना, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। CSVC का कुछ प्रोसेस होता है, उन्हें फॉलो करना होता है ना, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब सवाल उठता है कि टाइम लगेगा तो कितना लगेगा। देखिए, आप सभी को पता है जो बिहार दरोगा का है फिजिकल, उसका डेट घोषित कर दिया गया है, आज 27 तारीख है और आज से एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है ना। तो जैसे ही इनका फिजिकल जो है कंडक्ट करा लेती है, देन उसके बाद तुरंत आपका रिजल्ट आ जाएगा है ना, क्योंकि 5 से 6 दिन लगेगा, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तुरंत CSVC अपना बिहार फायरमैन का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, जारी कर देगी है ना। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 5 से 6 ही दिन लगेगा, आप देखिए, इससे पहले बिहार पुलिस का जो फिजिकल कंडक्ट कराई CSVC ने, देन उसके 5 से 6 दिन बाद उत्पाद सिपाही का रिजल्ट दे दिया गया है ना, रिटर्न एग्ज़ाम का रिजल्ट दे दिया गया और साथ में फिजिकल डेट भी घोषित कर दिया गया। जैसे ही उत्पाद सिपाही का फिजिकल कंडक्ट करा लिया गया है ना, आपने देखा कुछ दिन बाद ही बिहार दरोगा का जो है रिटर्न एग्ज़ाम का मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, और साथ में उन्हें यह भी बता दिया गया कि इस दिन आपका दौड़ होगा, यानी डेट फिजिकल का डेट भी घोषित कर दिया गया। आज 27 तारीख और आज इनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जो भी बिहार दरोगा का फिजिकल देंगे वो आज अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। जैसे बिहार दरोगा का फिजिकल कंडक्ट करा लेते हैं, 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपका है जो कि बिहार फायरमैन का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा, ये एकदम फैक्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देख रहे हो ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं मिल रहा है सबको फिजिकल के लिए। अब आप क्लियर हो गए होंगे कि आपका बिहार फायरमैन का रिजल्ट कब आएगा। देखिए, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, जो आ रहा हो रहा है ना प्रोसेस, उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, देन CSVC उसी प्रोसेस से काम भी कर रही है। अब आपको पता चल गया कि आपका बिहार फायरमैन का रिटर्न एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा। देखिए, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, आप YouTube पे वीडियो भरे हुए हैं, आप देख सकते हो, सब एकदम फिक्स डेट बता रहे हैं, इस दिन आएगा, उस दिन आएगा है ना। आपको मैं क्लियर बता दूं, कभी भी CSVC नहीं बताती है कि आपका आज के दिन रिजल्ट आएगा या आपका आज के दिन मेरिट जारी किया जाएगा है ना। तो ये सब हवा में बातें कर रहे हैं, तो वो सब गलत है, ठीक है ना। बस आप इतना जान लो, आपका रिजल्ट है जो बिहार दरोगा के फिजिकल के जस्ट बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि देखिए अभी बिहार दरोगा का जो फिजिकल हो रहा है ना, जगह भी नहीं मिला गर्दनी बाग में, वो इस बार पहली बार ऐसा होगा कि दूसरी जगह फिजिकल कराया जा रहा है दरोगा का, नहीं तो गर्दनी बाग में ही हो जाता था। गर्दनी बाग में भी जगह नहीं है, नहीं मिल पा रहा है उन्हें
है ना, तो इसके कारण दूसरी जगह फिजिकल कंडक्ट करा रही है। और ये बात सही है कि आपको भी फिजिकल का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, है ना। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।